सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पूर्व डीजीपी ब्रजेंद्र सिंह साहब, उत्तर प्रदेश आगरा नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेंद्र सिंह साहब। अगमदास अनंत जी कवर्धा कबीरधाम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। आज की खास परिचर्चा पर, आज की जो देश में ज्वलंत मुद्दे, जो देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्रिमिलेयर को लेकर एक नई देश में बहस छिड़ गई है, और उस डिसीजन से लेकर के पूरे भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों में खलबली मची हुई है। जगह जगह तरह तरह के से बयान और बातें चल रही है, तो इस पर आज हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश, एक बड़े राजकीय से जहाँ पे प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, और अब राजेंद्र सिंह साहब से मैं चाहूंगा कि इस विषय पर, आज के विषय पर, ज्वलंत मुद्दे पर, अभी थोड़ी देर पहले ऐसी चर्चा हो रही थी, फिलहाल अभी लाइव फेसबुक वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्लेटफॉर्म पे बातें होंगी। मैं चाहूंगा बहुत बहुत स्वागत करते हुए विजेंद्र सिंह साहब का कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। जी, बहुत धन्यवाद सर। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो प्रियम्बल में ये का सामाजिक न्याय की बात कही गई थी, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक, तो मामला सामाजिक न्याय से ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। भागीदारी की उम्मीद लोग लगाए हुए थे। अब सभी जानते हैं कि करीब 52% ओबीसी के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटीज हैं। ये सभी लोग इस जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं, और ये जातिवादी व्यवस्था, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, उनके लिए धर्म हो सकती है, आपके लिए सर्वनाश का कारण है। और आपको शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करके ये षड्यंत्र किया गया। ये अचानक ऐसा नहीं हुआ है कि आज हुआ है। एक ऐतिहासिक कारणों से जब आजादी के संघर्ष चल रहा था, उस वक्त भी उन्हीं लोगों का कब्जा था राजनीति पर। वही लोग राष्ट्रवाद के नाम पर अंग्रेजों की जो भगाने की बात कर रहे थे, वो लोग, उनका जो नियत थी वो कोई न्याय देने की सामाजिक नहीं थी। युग युग से उन्होंने समाज को, गरीब वर्ग को गुलाम बना करके रखा है, और उसी का कारण है कि इस देश में हजारों साल से धर्म परिवर्तन होते रहे हैं। उस अपमान से बचने के लिए लोग मुसलमान हुए, ईसाई हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म का वो आह्वान किया। तो ये सब उस अत्याचार अन्याय के कारण लोग जान बचा करके, हर आदमी को सम्मान तो कम से कम प्यारा होता है, भूखा नंगा भी होता है। अब आपके संविधान ने आपको ये वायदा किया प्रियम्बल में, जो इसके प्राण शक्ति होती है, ऐसे जैसे कि अगर शरीर में प्राण निकल जाए तो शरीर में बदबू आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तो वो प्राण शक्ति है, वो जो प्रियम्बल है संविधान के उद्देश्य का है, उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई। अब वो कभी कहते हैं सूटेबल लोग नहीं है, कभी कहते हैं क्रीमी लेयर नहीं है, कभी कुछ कहा जाता है। हकीकत यह है कि आपको उम्मीद लगाए हुए थे तो कम से कम ये लोग जो जातिवादी हैं, इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कम से कम जुडिशरी से मिलेगा, तो वहां से भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ लोग सीरियस हैं उसके मामले में। उसका कारण है कि वहां भी कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है आपका। तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि ये सुपर स्ट्रक्चर होती है जुडिशरी भी। वहां जो सत्ताधारी वर्ग है उसके उसके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकती हो, और वही ऐसे आदमियों को रखा जाता है जिनकी एक सोच होती है, खास सोच होती है। जो सोच जातिवाद से ग्रसित है वो न्याय नहीं कर सकता, आदमी कभी सामाजिक न्याय नहीं कर सकता, दे सकता। आपने देखा जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त सबसे पहला केस आया था मद्रास का, स्टेट का केस था, दोराई राजन चंपक्कम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें जब जजमेंट पहला आया था, जब बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदा थे और पेरियार भी जिंदा थे, कि ये आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। उस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन चला था, नेहरू जी को बदलना पड़ा था संविधान को। खास बात यह है कि जैसे जब संविधान सभा हो रही थी, संविधान को बनाया गया, तो हम लोगों को यह समझाया गया कि आपके पिताजी संविधान लिख रहे हैं, आपके बाबा साहब संविधान लिख रहे हैं, आप तो सुरक्षित हैं।
और हमने ये मान भी लिया कि भाई संविधान हमारा है, सुरक्षित है, लेकिन बाबा साहब ने आपको सावधान किया था कि देखो चाहे इतना संविधान अच्छा लिखा हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर न्याय में आस्था उनकी नहीं है, सच्चाई में आस्था नहीं है, मानवता में आस्था नहीं है, यदि वो खुद घोर जातिवादी हैं, यदि वो खुद जालिम है, तो उनसे उम्मीद ये मत करिएगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ वो जो शायर ने कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, शायर लुधियानवी ने कहा है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संगे दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात। तो जब तक आत्मसम्मान किसी कौम में पैदा नहीं होता, जब तक चरित्र और ज्ञान पैदा नहीं होता, वो कौम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती। आज आप देख रहे हैं 80 करोड़ जनता को 5 किलो आटा देने की नौबत क्यों आ रही है भाई, 80 साल होने जा रहे हैं आजादी को। इस देश में इतनी तरक्की की है कि एक एक पूंजीपति शादियों में 10-10 हजार करोड़ खर्च कर रहा है, उनको पूरी प्राइवेटाइज, उनको पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में है, तो आपके आदमी सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, उनकी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, उनके स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं है, और आप सोच रहे हैं संविधान से हमको कुछ मिल जाएगा, न जाने ये सब्र की भी सीमा होती है। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप, आपके अंदर स्वाभिमान है और आपके अंदर ज्ञान और चरित्र की शक्ति है, तो आप खुद ही अपने आप आंदोलन खड़ा करोगे, आप टॉलरेट नहीं करोगे। किसी भी आदमी को भीख मांगना सिखा दीजिए, उसको भ्रष्ट कर दीजिए, वो कभी लड़ाई नहीं कर सकता। युद्ध करने के लिए, न्याय की लड़ाई करने के लिए संविधान में लिखने से नहीं होगा काम, उसके लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर चरित्र का बल पैदा हो, आदमी के अंदर ज्ञान का बल पैदा हो। अब आपके कासीराम साहब ने आपको समझाया 85% है, बहुत अच्छा है सब, 85% है, बैकवर्ड क्लास करीब 60 करोड़ है। सवाल यह है कि उनके बौद्धिक स्तर क्या है, उनको हजारों साल से पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको पढ़ने लिखने की आज भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आज भी वो जो है भोजन दिन में क्या मिड डे मील में 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा, 9वीं क्लास कभी पास नहीं कर पाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, तो उनको इसके लिए है जूता गांठना है तो उन्हें जूते गांठने का काम सिखाओ अच्छी तरह से। तो ये जालिमों से आप उम्मीद कर लगा के बैठे हुए हैं। होना ये चाहिए मेरे हिसाब से कम 2-5% आदमी, 3% आदमी, 2% मिनिमम, ये ऐसी कैडर तैयार करनी चाहिए जो आपके इतिहास का, आपके महापुरुषों का, आपके आंदोलन का, आपके विश्व स्तर पर जो तथ्य हैं, सब तथ्यों से आपको, आपकी कैडर्स को अवगत कराएं। आप 140 करोड़ को नहीं कर, 100 करोड़ को नहीं कर सकते ये क्रम को, लेकिन आप दो 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 करोड़ को कर सकते हैं, और 2 करोड़ 100 करोड़ को जागरूक कर सकते हैं। तो जो जो होना चाहिए पढ़ने लिखने का, वो काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब अभी इसी सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों की आरक्षण देने की बात की, तो ये मान के चले वो कि ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है, जबकि ये भागीदारी का मामला था। जिन लोगों को गरीब कहकर के आप आरक्षण दे रहे हैं, वो 80-90% शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर सेवाओं में टॉप पर पहले से ही बैठे हुए हैं, तो उनकी तो चिंता लगी हुई है आपको, आपके नेताओं ने, किसी ने ये सवाल उठाया? वो जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, कोई अगर आपको पता हो, याद हो, तो कोई बोला हो उसके खिलाफ? एक भी बोला हो? तो ये तो सिस्टम की फेलियर है एक तरह से, और ये हमारी नालायकी का सबूत है कि हम, हमारा लीडर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, किनके कदमों में गिर के? जालिमों के कदमों में गिर के। नारा लग रहा था उत्तर प्रदेश में, हाथी नहीं गणेश है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण आगे बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, क्या क्या साली बकवास हो रही थी। आप बताइए, वहां परशुराम जयंती मना रहे हैं आप, अरे कोई उसूल वसूल है कुछ? कुछ मतलब बेवकूफ आदमी भी नहीं करेगा ऐसा, या तो मूर्ख करेगा या धूर्त करेगा ऐसे काम। माओ से तुमने ये कहा था, जो चीन में क्रांति हुई है, आज सुपर पावर है, आज इकोनॉमी उनकी नंबर 1 पे है, जो इंडिया से भी नीचे हुआ करता था, उसने कहा था कि अगर आप दुश्मन के कदमों में गिर गए, तो दुश्मन में आप में फर्क क्या रह गया? आप जो, जिन लोगों ने सर्वनाश किया है, अरे जो अपना एक ग्राम प्रधान नहीं, आपका बस चलता उनका, तो आपको ग्राम प्रधान ना बनने देते।
आप उनसे उम्मीद कर रहे हो आपको मुख्यमंत्री और गृह प्रधान बनाएंगे, ये दिवंगी दिवाला निकला हुआ है। और दुर्भाग्य का ये बात है कि इस देश में राजनीति में 30% से 25% लोग बताते हैं इतने क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो वो आपके लोग भी नेता नेता वेता दो चार अध पढ़े अध लिखे अध कचरे तैयार होते हैं, वो भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अब ये आप ही बताइए, मेरे ख्याल से आप ही समझाइए कि इसका रास्ता क्या है आगे। मैंने तो बता दिया कि कम से कम 2% आदमी तो तैयार करने की क्षमता रखो यार। अब तो आप रिजर्वेशन से हो गए हो, काशीराम जी ने ये बता दिया, बुद्धिजीवी, अरे बुद्धिजीवी का मतलब समझते हो यार, क्या होता है बुद्धिजीवी? एक डॉक्टर ऑपरेशन करना दिमाग का सीख गया, बुद्धिजीवी हो गया क्या वो? एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाना सीख गया, बुद्धिजीवी हो गया? ये राजनीति मास्टर साइंस है। इसका मतलब है कि आप में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, आपके अंदर सम्यक ज्ञान है, आपकी वाणी की क्षमता है, आपका प्रशिक्षण हुआ है। एक हाई स्कूल पास करने के लिए 10 साल पढ़ना पड़ता है। आपका आपका नेता कितना ट्रेंड है? मैं एक बार गया, मुझे मालूम हुआ कि एक बीबी मौर्या बहुत बड़े लीडर हुए हैं, दूसरे अंबेडकर माने जाते थे उत्तर भारत के। तो मैं जब डीआईजी था तो मुझे पता चला कि वो पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी आरपीआई छोड़ के, अब भाजपा में जा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, मैंने उनको फोन मिलाया, मैंने कहा साहब आप भाजपा में जा रहे हैं, भाई ये तो पार्टी तैयार करेगी यार, नौकरी करो तुम। मैंने साहब नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन आप हमारे पिता की तरह हैं, हमारी बात सुन लीजिए। फिर मैं उनके फार्म हाउस में गया जो कांग्रेस ने की सरकार ने उनको दिया था, वो तो पैसे वाले हो गए बड़े। मैंने कहा कि यार ये गड़बड़ क्या है, ये आदमी इतना पढ़ा लिखा आदमी है, ये प्रोफेसर रहा है, कारण मैं पता मुझे करना चाहिए कारण क्या है इसका। तो मैं उनके गया, मैंने कहा साहब लाइब्रेरी दिखाइए अपनी। तो लाइब्रेरी में लॉ की किताब तो भरी हुई थी, कोई हिस्ट्री का, फिलोसफी का, जहां से कि जीवन दृष्टि मिलती है, जहां से कि सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, जहां से कि राजनीति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस पर, इकोनॉमिक्स पर, उनके पास कोई लिटरेचर नहीं था। वकील हो गए आप, मुकदमा तो जीत जाएंगे, जिन्ना भी जीत गया मुकदमा, पाकिस्तान बनवा लिया, हो क्या रहा है मगर? तो उसे बुद्धिजीवी उसे कहते हैं जो कि दावपेच राजनीति के गहराई से समझता हो, लोकल स्तर पर भी, विश्व स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी। ये जो दुनिया में लेनिन और मार्क्स हुए हैं जिन्होंने बदला है माओ से, तुमने कोई मामूली हस्तियां नहीं थे, उनके चरित्र कोई मामूली नहीं थे, इन्होंने कोई धोखा नहीं दिया जनता को। स्टालिन एक मोची का बेटा था, उसकी माँ कपड़े धोती थी। हिटलर को उसने उसकी औकात का एहसास कराया, कोई अमरीका और इंग्लैंड उसको हिटलर को नहीं झुका पाया था, सबकी हालत खराब कर दी थी। एक एक मोची के बेटे ने उसकी औकात दिखाई, लेकिन उसका बौद्धिक स्तर, उसका चरित्र, उसका ज्ञान, वो उसके त्याग, उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, उसने अपने अपना घर नहीं भरा, एक कोई प्लॉट नहीं खरीदा कोई। अगर इनको पता चल जाता कि एक फार्म हाउस खरीदता खरीद लिया है उसने, तो सारी दुनिया में प्रचार कर देते कि साहब ये तो लूट लिया पूरे सोवियत रूस को। तो देखिए, जब तक एक सीधी बात समझिए, मैं कबीर, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। कबीर ने कहा है तुम्हारे अंदर अंतर ज्योति है? तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग, तू अपनी शक्ति को तो पहचान, बीज रूप भगवान तेरे अंदर है, और उसको विशाल वृक्ष बनाने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए, तो एक 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 यात्रा करनी पड़ती है लंबी। आपकी चेतना का स्तर बीज रूप में आप है, और उतना ही है जितना किसी इंदिरा गांधी में, या लेनिन में, स्टालिन में है, या किसी बाबा साहब अम्बेडकर में। आप अगर सही वातावरण नहीं देंगे अपने नौजवानों को, अपनी महिलाओं, आज देख के बड़ा दुख होता है, 113 103 13 महिलाएं भागने में, बाबा का धूल चरणों की लगाने में, दौड़ में दबके मर गई कुचल करके। और कहां पर? जो कि यूपी में बाबा साहब के आंदोलन का गढ़ था, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ये पूरी बेल्ट से आंदोलन शुरू हुआ था, उस पर हमारी महिलाओं का ये हाल है आज। आप कौन से सपने, कौन से ख्वाब देख रहे हैं, कौन सा परिवर्तन करने जा रहे हैं? जो बुनियादी बात है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। नेता तो ये देखता है मेरी जात के कितने वोट हैं, और दूसरी जात के कितने लोग, और सवर्णों के कितने मिल जाएंगे। तो इसके बाद पासवान, चिराग और पता नहीं कौन कौन से बड़े नेता पैदा होते हैं हमारे यहाँ, जो उन्हीं लोगों की मदद से बड़े नेता बनते हैं, और अपनी दौलत तो अपने घर तो भर लेते हैं, लेकिन समाज और नीचे जा रहा है। तो ये बड़ा दुख का जी विषय है। अब खास बात यही है कि अब कह रहे हैं कि साहब आप बांटने जा रहा है कोर्ट, या बांटे बांटा तो तुमको जातिवाद ना है यार,
न्यायाधीश थोड़ी बांट रहा है तुम्हें। जहां जो जड़ है उसकी, जिसे वर्ण धर्म कहते हैं, वो जिस हिंदुत्व को वो लेने जा रहे हैं, उसके खिलाफ तैयारी क्या हो रही है आपकी? आप चिंता कर रहे हो कोर्ट की, कोर्ट से न्याय वायल, दुनिया में क्रांति हुई है? किसी कोर्ट ने क्रांति की है या आपके लिए क्रांति हो जाएगी? समझिए, आपको अपनी जागृति पैदा करनी पड़ेगी, और जब जागृति पैदा होगी तो कोर्ट भी संभल के बैठेगा और नेता भी संभल के बैठेगा। तो ये अभियान चलने चाहिए, और 2% कम से कम टारगेट, कम से कम 5 का बनाइए, तब 2% तैयार कर लेंगे, तब तो कोई उम्मीद है, वरना आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, और ख्वाब देख रहे हैं, ना जाने कौन सा बड़ा परिवर्तन चैनल बना के हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है भाई, अब तो वेल बेसर है। धन्यवाद बहुत जी बहुत। बहुत शुक्रिया। ये थे बिजेंद्र सिंह साहब, जो सामाजिक पीड़ा को लंबे समय से समझने वाले, देश की परिस्थितियों को समझने वाले, एकदम हकीकत 100% सच बातों को आज की इस परिचर्चा पर कही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें बिजेंद्र सिंह साहब। मैं डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब को आज की इस परिचर्चा पर लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अभी आप विस्तार से बिजेंद्र सिंह साहब को सुन रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से प्रशासनिक सेवा के माध्यम से वहाँ के दलित शोषित सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने समझा है और इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके विचारों को समझते हुए अपनी बात रखेंगे डॉक्टर सोमानी साहब। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। ऐसे आज का ये विषय है, वो बहस का मुद्दा है, और इसी में जितना बहस किया जाए वो बहस बहुत कम होगा। तो अब इस बहस के मुद्दा में सभी बातों को समेटा नहीं जा सकता, डीजीपी परंतु जी डॉक्टर कुछ कुछ वहाँ यूपी के बातों को, डीजीपी अगमदास जी अपनी आवाज को म्यूट कर लें, अपनी आवाज को बंद रखें जी। डॉक्टर साहब अपनी बात रखें। कुछ कुछ बातों को टच करती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे आनंद भाई साहब जो है कवर्धा से दिख रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर, और बहुत दिनों के बाद उन्होंने दर्शन दिया है आपका। ठीक तो देखिए, शुरुआत मैं कर रहा हूं, कुछ बातों को अपने विचार से रखने की कोशिश करूंगा। भारत दलितों का देश है, और इसलिए दलितों का देश है कि यहाँ के निवासी, मूल निवासी दलित है, और 85% लोग यहाँ के दलित है, और इसलिए इस देश को इतिहासकारों ने दलितों का देश कहा है। अब भले ही दलितों के देश में दलितों की जो स्थिति है वो बहुत ही डामाडोल भले ही हो, लेकिन ये तो माना गया है कि यह देश दलितों का देश है। अब यहां पर भारत देश में तब लुटेरों ने आ गया, सबसे पहले समाज में आया लुटेरों ने, उसके बाद राजनीति में आया, और इन लुटेरों ने आकर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी ये लोग अपना पैठ बना लिए हैं। समाज, धर्म, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में जिसकी जो चर्चा अभी बहुत तात्कालिक रूप से हो रही है, उन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने पैठ बना लिया है, और यहाँ के दलितों की स्थिति को डामाडोल कर रहे हैं, इस स्थिति को बिगाड़ते जा रहे हैं। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, इस निर्णय के बहुत हमें तो नहीं जाऊंगा, बहुत
गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में पावरफुल है या अपने हाथों में जो ताकत रखे हैं, शक्ति रखे हैं, इन्होंने अपने अपने टेबल से या अपने अधिकार क्षेत्र से इस इन बातों को आगे ना बढ़ाकर इनको दूसरे दिशा से ला रहे हैं। दूसरे दिशा से मतलब यह है कि ये संसदीय मंच से, संसदीय टेबल से ना लाकर ये लोग जो है जुडिशियल मंच से या जुडिशियल प्लेटफार्म से ला रहे, कहा जाए जुडिशियल प्लेटफार्म से ला रहे हैं, ताकि हम अपने संसदीय प्लेटफार्म से ना लाकर अभी जुडिशियल प्लेटफार्म से लाएं, तो इसका विरोध करने का इन इन लोगों में हिम्मत नहीं होगी। इनका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि ये जो है जुडिशियल का निर्णय है, जुडिशियल का डिसीजन है, जुडिशियल का द्वारा पारित किया गया हुआ निर्णय मानकर ये लोग इसका विरोध करने के लिए समर्थवान नहीं होंगे। इस तरह से इन्होंने अपने प्लेटफार्म से आगे ना बढ़ाकर ये दूसरे तरफ के प्लेटफार्म से ला रहे हैं। अब दूसरे तरफ के प्लेटफार्म से ला रहे हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोगों में जो विवेचना कर रहे हैं या किए हैं, जो विश्लेषण किए हैं, इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि आज तक आजादी के बाद या भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात आज तक इस वर्ग के SC ST OBC वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिला है, ये लोग कितने प्रतिशत जो है अपने आरक्षण के पदों पर पहुंच पाए हैं, यही उनके पास आंकड़े नहीं है। इनके पास आंकड़े नहीं है, ये लोग बिना आंकड़ा के वो लोग अपना डिसीजन दे रही है। आज जितने भी देश के इंस्टीट्यूट है, चाहे ITI हो और जितने भी इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट में इन लोगों के जो आरक्षण है, इन आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार आज लोग कितने जन, इनके कितने लोग इन पदों पर ये लोग पहुंच पाए हैं, इनका ही नहीं अंदाजा नहीं है। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, बिना आंकड़ा के, बिना प्रूफ के ये लोग हवाई हवा में, ये लोग राजनीतिक प्रेशर में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर आकर अपना डिसीजन दे दिए, ताकि देश में ऐसी खलबली मच जाए, ऐसी खलबली मच जाए, ताकि इनका विरोध यदि नहीं कर सकेंगे, मान लो जाए इनमें विरोध करने की क्षमता या इन लोगों में इसके खिलाफ बोलने की यदि क्षमता नहीं होगी, तो ये लोग चुपचाप रह जाएंगे और हमारे द्वारा दिया गया फैसला ये लोग मान लेंगे, और मानने के पश्चात जो है ये व्यवस्था जो है वो चलती रहेगी। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार जी, फुले साहब, तमाम और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में, इस देश के समाज में अपने शिष्य भी तैयार कर चुके हैं, अपने अपने उम्मीदवार या कहने जाए अपनी पीढ़ी तैयार कर चुके हैं। यदि अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो ये लोग मैदान में उतर कर, डट कर मुकाबला करेंगे और अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट ने यदि मान लो जडिशन दे दिया है, तो क्या हुआ, आने वाले लोगों में ये जागृति आ चुकी है, ये तीसरे नवजागरण आ चुका है, तीसरी आजादी की लड़ाई छिड़ चुकी है, और ये लोग अपने अधिकार के रक्षा के लिए, अपने प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए ये लोग संघर्ष करने के लिए कमर कस लिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इनका संघर्ष का रूप, स्वरूप और इनका परिणाम और दिखने को मिलेगा।
मैं जानता हूं या हम जानते हैं कि यद्यपि इस वर्ग में भी अभी भी शिक्षा की कमी है, अभी भी चेतना और जागृति की कमी है, अभी भी जो है कई इस वर्ग के कई जाति के लोग, कई समाज के लोग जो है अभी भी काबिल नहीं है, पढ़ लिख कर जो है वो योग्य और काबिल नहीं बने, संघर्ष करने के काबिल नहीं हुए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो भी तैयार हुए हैं, जो भी पढ़ लिख कर जो आगे बढ़े हैं, या उनमें जो है वैचारिक रूप से परिपक्वता आई है, उस परिपक्वता के आधार पर ये लोग संघर्ष करने के लिए बिल्कुल कमर कस लिए है। डट कर मुकाबला होगा, डट कर उसका विरोध होगा, और अपने अधिकार, अपने प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए जो है वो सड़क पर उतरेंगे और उतर कर जो है अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। हम किसी के दलित वर्ग या दलित समाज किसी दूसरे पर के अधिकार का हनन नहीं करना चाहते, ये बात सही है, लेकिन इतना जरूर है कि वे अपने अधिकार का हनन होने नहीं देंगे, उसकी रक्षा करने के लिए वो डट कर आगे आएंगे, सामने आएंगे। आज स्थिति ये है कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला डिसीजन देकर एक प्रकार का टेस्ट कर रहे हैं, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कैसे कर रहे हैं कि हमने जो फैसला करके इसको जारी कर देते हैं और उसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, इसको देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि ये लोग अपने हमारे डिसीजन के खिलाफ आवाज करते हैं कि नहीं, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व की रक्षा करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का परीक्षण, जैसे प्रोबेशन पीरियड में परीक्षण काल होता है, उसी तरह पर ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं कि ये लोग इन पर प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया होगी, क्यों नहीं होगी, प्रतिक्रिया होना ही। हम उसी समय यदि इस तरह की नौबत नहीं आती, यदि भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का आजाद हुआ, अब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इस समय यदि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यदि भारत का प्रधानमंत्री बना दिए होते, तो उस समय भारत का जो सारी व्यवस्था है, सारे ढांचे बदल गए होता, सारी व्यवस्था बदल गई होती, और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दुर्भाग्य ये है कि उसी समय में भारतीय राजनीति में कूटनीति, छल नीति, ये सारी नीतियां जो है चलना शुरू हो गया, और ये स्थिति आई कि गांधी जी ने नेहरू जी का सिफारिश कर दिया, उसका समर्थन कर दिया, और अम्बेडकर के जगह में और पटेल के जगह में, दोनों व्यक्तियों के जगह में नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक उसका जो असर है वो दलित समाज के लोगों को भोगना पड़ रहा है। यदि उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं बनती, तो आज दलित समाज के लोगों को भोगना नहीं पड़ता, झेलना नहीं पड़ता। यदि अम्बेडकर साहब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते, तो निश्चित भारत का तस्वीर बदल जाता, भारत का ढांचा बदल जाता, भारत की व्यवस्थाएं बदल जाती, और आज इस तरह का दूरबीन देखने को नहीं मिला। लेकिन नहीं बनाया गया, तो जो भी राजनीति का जो खेल जो शुरू हुआ, भारत की आजादी से ही शुरू हो गया, और शुरू होने के कारण जो है समय समय तो खेल बहुत से हो रहा है, आज उसका खेल का स्वरूप बदल रह गया है, उसका रूप स्वरूप बदल गया है, उसका जो है रंग रूप बदल गया है, आवाज का रंग रूप और स्वरूप ऐसा बदल गया है। तो ये क्या है कि मेरे द्वारा से नहीं, बल्कि ये मेरी जो बात है, मेरी जो मैं जो सोचा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसको मेरे टेबल में, मेरे प्लेटफार्म की ओर से ना हो, बल्कि आपके प्लेटफार्म की तरफ से होना चाहिए, ताकि जो है हम पर जो है जनप्रतिनिधियों पर किसी तरह का जुल्म इल्जाम ना लगे करके प्लेटफार्म की दिशा को बदल दिए हैं, और दिशा को बदलने के कारण इस तरह के जो है डिसीजन जो है आए दिन लागू किया जा रहा है, डिसीजन दिया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए इतनी बात बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनवानी साहब। हमारे बीच में अगम दास जी जुड़े हुए थे और मेरे ख्याल से नेटवर्क से लिफ्ट हो गए हैं।
मैं फिर से ब्रिजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर थोड़ी बहुत और भी अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जैसा कि अभी सुमानी साहब ने अपनी बात रखी है, तो मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर अपनी बात रखें सर इसमें। देखिए, ख्वाब बड़े अच्छे होते हैं, रंगीन ख्वाब बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारी भी चाहत थी कि बाबा साहब अंबेडकर अगर प्रधानमंत्री होते। लेकिन सवाल यह था कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो अगर आप संविधान सभा पर नजर डालें तो 299 में एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो खुद थे, एक दलित और था, बैकवर्ड क्लास का नाम निशान नहीं था। जो भी दलित आए थे, 30-32 आदमी, वो कांग्रेस के सब एजेंट थे। तो आप ये बताइए कि उस संविधान में इतना जो कुछ उन्होंने अपनी मॉरल अथॉरिटी से कर दिया, हमको जग जाना चाहिए था उस वक्त कि ये सत्ता उन लोगों के हाथ में आ रही है जो बात तो बड़ी लंबी चौड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ी न्याय की, लेकिन वो अपनी पोजिशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम बांट रखा है। और हमको ये भी देख लेना चाहिए कि SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड ये करीब 90% लोग बनते हैं, और ये सब इस जातिवाद के मारे हुए हैं जिसको ये धर्म कहते हैं। और गांधी जी की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है। वो लोग समझ गए कि इस आदमी को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कायदे से। तो गांधी जी को आगे करके उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अब सत्ता में सब बैठे हुए हैं, कौन लोग टॉप पे बैठे हुए हैं? हकीकत यह है, हम पूरी नौकरी में हमने देखा कि हमको कुर्सी पे बैठे हुए वो ये समझते थे कि हमारी कुर्सी हत्या रखी है इसने आरक्षण की वजह से। अगर आरक्षण ना होता तो ये तो हमारा 100% आरक्षण है कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम में तो 1% का भी इनको हक नहीं है। हाँ, इनको अनटचेबल और समझना चाहिए, इनको पढ़ने लिखने नहीं देना था, ये लोकतंत्र उनके लिए मुसीबत हो गया। जो बात वो अंग्रेजों से खुद मांग रहे थे भीख, वो आपको आपका हक संविधान में लिखा हुआ होने के बाद भी देने को तैयार नहीं। तो अब बाबा साहब ने इन तमाम मजदूर मजबूरियों के बाद कितना बड़ा संघर्ष किया। उस वक्त चर्चिल ने यह कहा था कि ये संविधान सभा है या हिंदू महासभा है, ये इसमें बैकवर्ड क्लास का नाम निशान नहीं। 50-52% बैकवर्ड क्लास के एक दो आदमी दिखाई देने, कोई दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वहां इनकम टैक्स के आधार पर सीधे, मतलब आर्थिक स्थिति के और सामाजिक स्थिति के आधार पर इनडायरेक्टली चुनाव उनका हुआ था, और उसमें से दलितों का उसमें आना संभव था भी नहीं। बैकवर्ड का जो कुछ वो रिजर्वेशन की वजह से थोड़े बहुत दलित आ गए थे, वो सब कांग्रेस जीते हाथ उठाने वाले जो आज भी हैं। तो ये हमारे हमारी लीडरशिप को ये समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी अपने नौजवानों को पर फोकस नहीं करते, हम अपनी महिलाओं पर फोकस नहीं करते और जागृति अभियान नहीं चलाते, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाते, तब तक हमारा उनको उन लोगों को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो इतना इस वक्त तो हर जगह वो बैठे हुए हैं, फौज में भी बैठे हुए हैं। अब उन्होंने मतलब कोई ऐसा वो छोड़ा नहीं है, शिक्षा में टोटल कंट्रोल उनका पहले से था, मीडिया में टोटल कंट्रोल पहले से था। वो जो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं उन सब तथ्यों को, जो उन्होंने इतिहास का नष्ट किया है इस देश को, सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को जो बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी व्यक्तित्व, तो अपनी शिक्षा की वजह से उन्हें मालूम हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से मुश्किल से 60 साल पहले पता चला है कि ये इतिहास पुरुष है भगवान बुद्ध। उन्होंने विष्णु का अवतार घोषित कर रखा था। प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में उसको पढ़ा है लुम्बिनी में, जहां पर वो भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, और फायन हुएनसांग के यात्रा विवरणों के आधार पर पता लगाया उन्होंने कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इतना बड़ा समतावादी एंटी कास्ट कल्चर इस देश में रहा है। तो जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानते, और हम सबको नहीं बता सकते, शिक्षा हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन हम अपने नौजवानों को सिलेक्टेड वे में उन तथ्यों से अवगत कराएं। होता यह है हमको सुबह से शाम तक निर्णय कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, जितनी हमारी अकल है, जितनी हमारी जानकारी है, उस पर पूरी अकल लगाते हैं हम निर्णय लेने के लिए। तो जो इतने गंभीर मामले हैं जिसमें कि समाज का पूरा इंटरेस्ट उनका, आपका अस्तित्व लगा हुआ है, उसको अगर आप
लोगों को एजुकेट करके संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करते, तो ये ऐसी बड़ी गंभीर समस्या है कि जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आप और हम, कि हमको भीख में हक मिल जाएंगे, ये मिलने वाले नहीं है ना कभी। बाबा साहब ने भी बड़ा भारी संघर्ष किया। फर्क ये था कि बाबा साहब के समय में अंग्रेजों का राज था और उनका उनका कोई आपसे प्रेजिडिस नहीं थी। असल हकीकत यह है कि आज हमारे लोग भी नहीं समझते इस बात को कि उनके बाबा साहब के जन्म से पहले उन्होंने उन दलित ईसाइयों को जो कन्वर्ट हुए थे उनको आरक्षण देना उन्होंने शुरू किया था। बाबा साहब के जन्म से 30 साल पहले आईपीसी लगा, यहाँ मैकॉले का लिखा हुआ सीआरपीसी, सबको एक घाट पर पानी पिलाया उन्होंने। उन्होंने बहुत सारे सती प्रथा, ठगी प्रथा, लूट खसोट, ये जितने हिंसा सबको बंद किया। तो वो एक सरकार ऐसी थी, एक प्रगतिशील सरकार थी, उसकी तमाम कमियां आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिस जिस तरह उन्होंने इतिहास का निर्माण किया, जो झूठा इतिहास लिखा हुआ था, इनका भंडाफोड़ किया, ग्राउंड वर्क उन्होंने कर दिया, उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। काशीराम ने भी ग्राउंड वर्क किया, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। अब उसकी चिंता नहीं है हमको, चिंता लगी हुई है कि हम प्रधानमंत्री कैसे बन जाएं। अरे मुख्यमंत्री, आपकी मायावती कहती है 4 बार मंगी, क्या कर लिया भैया? आपके पैसे जो आपने जैसे भी मिला हो, वो ईडी जब्त कर रही है उसको, आपकी जांचें बैठी हुई है। तो ये चीजें हैं। देखिए, तीन बातें जो बार बार मैं कहता हूँ, सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन यानी सोच, जीवन दृष्टि आपकी, और ज्ञान और चरित्र, जब तक ये तीन चीजों पर आपका भरोसा नहीं है, आपके बुद्धिजीवियों का भरोसा नहीं है, आपके नौजवानों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक ये अत्याचारी लोग अत्याचार करते रहेंगे, नए नए षड्यंत्र ढूंढते रहेंगे। ये लेटेस्ट है कि ये दलितों में भी ग्रेडेशन पैदा करो, फूट डालो, राज करो, तो फूट डालो आप कह रहे हैं ये करो, ये तो वर्ण व्यवस्था का पूरी बुनियादी इसी पे है। आपकी 3,500 जातियां किसानों की हैं, 3,500 जातियां मजदूरों की हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को इतना भी नहीं बनता कि अपने को किसान और मजदूर समझें। जब आपको जाति बताया जाता है तो आपको अपने नजरों में गिराया जाता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए किसान मजदूरों को एक करें, तो जब तक सर्वहारा वर्ग, शोषित पीड़ित वर्ग, एक उसमें पढ़े लिखे वर्ग को आगे नहीं लाया जाता, उनके हाथ में नेतृत्व नहीं आता, उनमें त्यागी तपस्वी ज्ञानी लोग पैदा नहीं किए जाते, ये अवसरवादी नेता दलाल जो कौम को खा रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, ये पैदा होते रहेंगे और ये इनको उनके पास खरीदने के लिए पैसा है, वो खरीदते रहेंगे। और मैं ये नहीं मानता कि सब लोग बेईमान है, लेकिन शिक्षा की वास्तव में कमी है, सम्यक दृष्टि की कमी है, सही ज्ञान की कमी है। कारण यह है कि इतिहास वो लिखते हैं आपका, और वो उन बातों को सबको गायब कर देते हैं जो कि सच्चाई आपके आपको अपनी नजरों में उठाएगी। तो ये इसलिए भैया, आप मेरी शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने पॉइंट तो बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा है कि ये बिना किसी कैडर वर्क के, संगठन के शक्ति के ये काम नहीं हो सकता। जो जिस तरह की लीडरशिप हमारी है, 131 एमपी हैं, उन उनसे उम्मीद मत करिए। अभी उन्होंने 2020 में देख लिया था, आरक्षण दे करके आर्थिक आधार पर क्या किया आपने, एक आदमी ने हाथ भी नहीं उठाया, कम से कम और कामों में हाथ तो उठाते थे। तो ये तो अब बाबरी मस्जिद गिरी, दुनिया के सामने लोकतंत्र गिरा था वो, आप देखते रहे, ये तो मुसलमानों की समस्या है। अरे भाई, वो मंडल कमीशन की वजह से वो कमंडल में डालने के लिए हुआ था ना, मुसलमान इस बात को समझ रहा था ना आप इस बात को समझ रहे थे। अब ये कौन समझाएगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, आपको खुद ही कैडर तैयार करना पड़ेगा। तो धन्यवाद है साहब, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने अपनी बात को मैं कह सका आपसे। थैंक यू, शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही आपकी, जी, आपकी बहुत बहुत आवाज। शुक्रिया ब्रजेंद्र सिंह साहब, आपने समाज के ज्वलंत मुद्दे को छूते हुए आपने आज के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें कही है। मुझे लगता है समाज के नवयुवक लोगों को, नौजवान लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। मैं इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सोमानी साहब से चाहूंगा कि ब्रजेंद्र सिंह साहब ने जो बातें काफी अनुभव के रूप में रखते हैं, उस बात को एक कड़वी सच के बारे में बातें कही है। मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से अपनी बात रखें। सुनाने चाहूँ जी साहब, आज के जो विषय है
इस विषय का कई पहलू है और इस कई पहलू पर बात करना तो कठिन काम होता है, मुश्किल होता ही है। पहली बात यह है कि जो शिक्षा की दृष्टिकोण से शिक्षा के साथ वैचारिक दृष्टिकोण से इस वर्ग के, इस समाज के लोग इतना जो है सशक्त नहीं हो पाए हैं, इतना वो काबिल नहीं हो पाए हैं कि एकजुट होकर या संगठित होकर या अपना एक मेजॉरिटी तैयार करके किसी अन्याय या किसी जुल्म का विरोध करें। अभी भी शिक्षा की इनमें कमी है। अभी इस वर्ग के 1-2% लोग ही है जो पढ़ लिख कर जागरूक होकर वैचारिक रूप से थोड़ा ठोस बनकर ये लोग कुछ सोचने समझने के लायक हुए हैं, लेकिन अभी भी काफी कमी है। दूसरी बात कहना ये चाहूंगा कि आज मीडिया के माध्यम से हो या कुछ हद तक शिक्षा के माध्यम से हो या एक अखबारों के माध्यम से हो या और अन्य तकनीकी कारणों से हो, जब एक साधारण से साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति ये जानने लग गए हैं कि राजनीति एक ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से हर ताला खुल सकता है, तो इतना जानते हुए भी इनमें ये निर्णय, एक ठोस निर्णय होना चाहिए कि हम सत्ता और शासन में हम क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे अपने पक्षधरों को, ऐसे अपने उम्मीदवारों को जो है सत्ता और शासन में बिठाएं ताकि शासन की बागडोर अपने लोगों के हाथ में आए और वो ऐसे शासन प्रशासन में बैठकर जो है प्रशासन करे, शासन करे कि वो जो है हमारे हित संवर्धन करे, हमारी रक्षा करे, हमारे संविधान की रक्षा करे और संविधान के अनुसार जो है लोकतंत्रात्मक शासन को जो है लोकतंत्री ढंग से संचालित करे। सब आजकल के एक आम आदमी, किसान आदमी भी या अनपढ़ आदमी भी ये जान चुके हैं, अपने कान के द्वारा सुनकर ये समझ चुके हैं कि आज हम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम अपना सत्ता सौंपे, ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुने, ऐसे लोगों को हम सत्ता और शासन में बिठाएं ताकि वे जो है गरीबों का, दलितों का, SC ST OBC का और साथ ही साथ मजदूरों का, किसानों का हित संवर्धन करे, उसकी हित की रक्षा करे और संविधान के अनुसार शासन करे, संविधान के अनुसार शासन चलाए, संविधान के अनुसार जो है वो प्रशासन चलाए और जो है इस लोकतंत्र को विकास की ओर ले चले। सामान्य बात है, ये ऐसा नहीं कि आजकल के समय में कि कोई अनपढ़ आदमी नहीं जानते हैं, अनपढ़ आदमी भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, युवा जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं और विद्यार्थी जानते हैं, सब जानते हैं कि देश का शासन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे उम्मीदवारों के हाथ में जाए जो भारत के संविधान और लोकतंत्र के अनुसार जो है देश का शासन संचालित करे। परंतु गड़बड़ियां कहाँ पे होती है, गड़बड़ियां कहाँ पे होती है इसको ढूंढना पड़ेगा। चाहे आप प्रलोभन के द्वारा हो, चाहे किसी भी प्रकार के वस्तु देकर लालच के द्वारा हो, हम अपनी ईमानदारी से अपने मत का, वोट का प्रयोग नहीं करते।
इसी ईमानदारी से नहीं करते के करने के कारण कि हम अपने जो है योग्य व्यक्ति का निर्वाचन नहीं करते हैं, और योग्य व्यक्ति के निर्वाचन नहीं करने के कारण योग्य जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकते, योग्य जनप्रतिनिधि नहीं चुनने के कारण कि जो है शासन और सत्ता में हमारे योग्य जो है प्रतिनिधियों का मेजॉरिटी नहीं बन पाती। तो इस तरह जो राजनीतिक उथल पुथल और दांव पेच है, इस दांव पेच में आम नागरिक, आम जनता, आम लोग उलझ जाते हैं। तो पहले से जो है ये लोकतंत्र में सही प्रशिक्षण, सही जागरूकता, सही मन और रुचि लगाकर ये हमें निष्कर्ष लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रकार के लोभ लालच प्रलोभन या किसी के अभाव में दबाव में ना किसी भी प्रकार के और अन्य प्रकार के जो है लालच में हम अपना मत का उपयोग ना करें। यही पर तो गड़बड़ियां होती है। जब हम अपने मत को उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या है मेजॉरिटी हमारी नहीं बन पाती, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं बन पाती, दलितों के हित के अनुकूल नहीं बन पाती, गरीबों के हित के अनुकूल नहीं पाती, और अन्य SC ST OBC के हित के अनुकूल नहीं जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो पाते। और यही कारण है कि हम सही व्यक्ति को हम सत्ता और शासन में चुनकर भेज नहीं पाते। ये नहीं जानते क्या? सब जानते हैं कि चुनाव में निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, वोट देना चाहिए, मत देना चाहिए। ये सब जानते हुए भी खेल कैसे जो बिगाड़ डालते हैं, खेल बिगाड़ने के कारण से ही तो हम जानते हैं। हम ज्यादा पढ़े लिखे की बात क्या करें, हम ज्यादा उच्च ज्ञान की बात कर रहे हैं। अरे साधारण गरीब मजदूर सब जानते हैं कि हम वोट का सही उपयोग करें, अच्छे आदमी को दें, सही आदमी को चुने, सही लोगों को व्यक्ति को हम अपना जनप्रतिनिधि बनाए। ये सामान्य बात को जानते हुए भी खेल कर डालते हैं या खेल में उलझ जाते हैं, और उलझ जाने के कारण योग्य व्यक्ति को हम अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना पाते। आज हो क्या रहा है? वो तो यही है, लोकतंत्र में वोट जो लोग है जन है वो सही ढंग से प्रशिक्षित होते हुए भी, योग्य होते हुए भी, जानकार होते हुए भी अपने वोट का उपयोग नहीं करते, और इस कारण से हम अपना सही व्यक्ति नहीं भेज पाते ऊपर तक, और नहीं भेजने के कारण हम उनके खेलों का कठपुतली बन जाते हैं, उनके हाथों का कठपुतली बन जाते हैं, और कठपुतली जी जी बनकर खेलते रहते हैं। उन्होंने कहा आज देखिए भारत जैसे देश, आज भारत जैसे विशाल देश और लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया में जिसका जो है गुणगान किया जाता है, जिनका तारीफ और प्रशंसा की जाती है, यहाँ की ज्ञान का भंडार के तारीफ किया जाता है, यहाँ के जो विद्वता की तारीफ किया जाता है, बुद्ध जैसे लोगों को दुनिया के देश नमन करते हैं, बुद्ध महात्मा बुद्ध का सामने दुनिया के देश सिर झुकाते हैं। आप पेरियार साहब के बात को सुनिए, गुरु नानक जी की ज्ञान को सुनिए, आप कबीर जी के नाम है जिनके सामने पूरे विश्व के देश नतमस्तक होते हैं। ऐसे देश में इस तरह की जो है देश राज का जो लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता, इस तरह आरक्षण की बात पर जो है लड़ाई झगड़े और विवाद संघर्ष शुरू होता, कदापि नहीं होता। हमें हमारा अधिकार दो, आप अपने अधिकार में रहो, हम अपने सीमा में रहेंगे, आप अपने सीमा में रहो, हम पर हस्तक्षेप ना करो, हम आप पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी देश है, हमारा भी संविधान है, हमें अपने संविधान के अनुसार हमें जीने खाने और गुजर बजर करने का पूरी आजादी स्वतंत्रता दो। ये समाज इस तरह के मानसिकता, इस तरह का विचार, इस तरह का सोच समझ यहाँ के निवासियों में उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? अभी उत्पन्न हो रहा है तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्यों हमारे हक को मार रहे हो, हमारे पेट में लात मार रहे हो, हमारे जो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो? हम तो आपके अधिकार को छीन नहीं रहे हैं, आपके अधिकार पर किसी तरह हनन नहीं कर रहे हैं। हमारे अधिकार को हनन न करो, यदि अधिकार का हनन करोगे भारत की आत्मा को
पीड़ा पहुंचेगी, और जब भारत की आत्मा को, संविधान की आत्मा को पीड़ा पहुंचेगी, तो ये संघर्ष, द्वंद और लड़ाइयां जो शुरू होती है, आज दुनिया के इतिहास देख लीजिए, चाहे किसी भी देश की इतिहास दीजिए, जब पेटी भरने वाले लोग पेटी भरते हैं और पेट खाली रहता है, और पेट में जब आग जलती है, तभी जो है दुनिया में क्रांति पैदा होती है, तभी क्रांति की गोद, तभी लोगों की गोद में क्रांति फूटती है। हम केवल भाषणों से नहीं, केवल हम अपने अच्छे लच्छेदार शब्दों से नहीं, हमारा जो पेट जलेगा, तो पेट जलेगा, तो उस पेट जलेगा, तो उस आग में जो है, जब जलेंगे तो क्रांतियां होंगी, द्वंद होगा, लड़ाइयां होंगी, और इस लड़ाई में हम एक दूसरे की अस्तित्व की रक्षा के लिए जो कूद पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। और ये स्थिति ना आए, ये चाहते हैं, भारत में ऐसी स्थिति ना आए, भारत ऐसा लोकतंत्र है जिसमें ऐसी स्थिति ना हो, भारत में क्रांतियां ना फूटे, भारत में शांति, सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति, भाईचारा का वातावरण सदा सदा, पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहे, ऐसी यहाँ के निवासी, यहाँ के दलित चाहते हैं, यहाँ के पिछड़े हुए लोग चाहते हैं, यहाँ के SC ST OBC की लोग चाहते हैं। लेकिन यदि पेटी में आग लगेगी, तो उसकी ज्वाला फूटेगी, और उस ज्वाला में जो है, वो भारत, वो इंसान जल सकता है, मानवता जल सकती है, और इस प्रकार के बदलाव के लिए लहर भी तैयार हो सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमानी साहब। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आज के हमारे खास मेहमान पूर्व DGP बिजेंद्र सिंह साहब का, मेघराज जी आ गए हैं, मैं चाहूँगा मेघराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आज की इस परिचर्चा पर। मेघराज सिंह साहब, बहुत स्वागत है। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु का सत श्री अकाल सबको। मैं तो चाहता हूँ, देखो इसमें क्या है ना, कि जितने भी हमने ये सुने विचार, तकरीबन तकरीबन चाहते हैं कि ये काम कोई दूसरा आदमी करे, मतलब हर एक आदमी के तो ये होती तो मत दूसरे को पढ़ाते हैं कि ये करें, दूसरा करे, अच्छे काम को दूसरा करे, बुरे काम को खुद करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आज मैं बहुजन समाज के हालात इतने खराब हैं कि बहुजन समाज के लीडरों ने ही बहुजन समाज को गुमराह किया है। मैं इसमें कई सालों से बात को कहता आ रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, चेतावनी भी दी थी हमने इसमें आर्टिकल के जरिए, कि बहुजन समाज अगर एक साथ इकट्ठे होकर नहीं आएंगे, तो बहुजन समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि बहुजन समाज को खराब करने वाले जो आज जो ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण बैठे हैं, हर जगह मतलब वो अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण बहुजन समाज की निकम्मापन है। तो मैं सीधी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ये किसी को चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, तो जब तक ये बहुजन समाज, पहले बहुजन समाज को लूट लूट कर खा लिया, पैसे भी खाए, इनका दिमाग भी खा लिया और वक्त भी खा लिया है, दिया कुछ नहीं है। क्या दिया? तो हमने अपने प्लान भी किया था यार, इसके लिए हम भोजन समाज को देना भी चाहते हैं, उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, गरीबी से भी निकालना चाहते हैं, भुखमरी से भी निकालना चाहते हैं, और सही दिशा से ले आना चाहते हैं, इनको राज की तरफ लाना चाहते हैं। कब तक इन उन लोगों से मांगते हैं जो भिखारी बैठे बैठे हैं, जो मतलब लूटना चाहते हैं? अब आरक्षण किससे मांग रहे हैं? सरकार से। और जो भी मांग रहे हैं उनसे सरकार से मांग रहे हैं, जो सरकार तो जो खुद बर्बाद करना चाहती है, जो मनवादी पीछे बैठे हैं वो खुद समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, वो कहाँ से दे देंगे? उनके पास में हजारों पॉइंट ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं, हजारों उनके पास में नियम ऐसे जो लोग उसमें बहुजन समाज को गुमराह कर करके उनको फंसा देते हैं चक्रव्यूह में। तो इस चक्रव्यूह से सिर्फ रास्ता एक ही निकलने का है कि उनका साथ छोड़ करके अपना कोई नया रास्ता निकाले। हम रास्ता मेरे पास में है, पर मुझे कोई जिंदा इंसान अभी नजर नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा कोई, जिसको हम साथ में डिस्कस करें प्लान को और उसको आगे बढ़ाएं। प्लान मेरे पास में ऐसा है कि हम 3 साल के अंदर अंदर इसको सत्ता को, सिस्टम को प्लान करके बहुजन समाज का कार्यकाल कर सकते हैं, अगर सही तरीके से चलेंगे तब। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे भटक दे रह जाएंगे, कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई RSS को बोलते हैं कि इतने सालों से उन्होंने इतना कैटर तैयार कर लिया, बहुजन समाज ने क्या किया? बहुजन समाज हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक ये जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे, अगर वक्त के कच्चे रहेंगे, तब तक सुधार नहीं आएगा। जब जुबान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के हो चलेंगे, तो उनका सुधार बहुत जल्दी हो जाएगा और ये राज करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े बिजेंद्र सिंह साहब का, डॉक्टर सुनवानी साहब का, अगम दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आज की इस ज्वलंत मुद्दे पर, जो आज की प्रमुखता से जो परिचर्चा हुई है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और हमारे वैसा
मानवता चैनल से जुड़े रहे। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह, जसवीर भाटिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।